हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई वेलकम यू इन दिस सेशन. टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज अ स्टोरी दैट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस. मीन्स इस चैप्टर में हम जो स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टोरी जो है वो इमोशंस पर आधारित है. तो चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ इमोशन. इमोशन है क्या, या शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे है जिसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इमोशंस का बॉर्न होता है, इमोशंस कैसे मानव के अंदर जन्म लेती हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रोइंग अप. ये क्लियर हो गया इमोशंस आती कैसे हैं, ग्रोइंग अप. जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है, हम बड़े होते हैं और उसी अकॉर्डिंग लाइफ के हर स्टेप में हमारे सामने अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, अलग अलग इंसिडेंट आते हैं और उसमें हम जो रिएक्ट करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, वही हमारी फीलिंग्स होती हैं और उसी को हम इमोशंस कहते हैं. क्लियर? जैसे यहाँ पे देखते हैं व्हेन वी वर बॉर्न आवर माइंड वाज लाइक अ फर्टाइल सोइल रिसेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव. जब हमारा बॉर्न हुआ था तो हमारा माइंड कैसा था, फर्टाइल सोइल जैसा, एक उपजाऊ मिट्टी जैसा. कैसा, रिसेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव. रिसेप्टिव मीन्स ग्रहणशील, किसी चीज़ को ग्रहण करना, अपने अंदर एक्सेप्ट करना. एंड रिस्पॉन्सिव, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करके उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करना, वो आपका होता है रिस्पॉन्सिव. जैसे मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो होती है, मिट्टी के अंदर जो भी सीड हम डालते हैं वो उसको ग्रहण करती है और उस सीड के अकॉर्डिंग उस सीड को एक नया पौधा बनाकर बॉर्न करती है. ठीक यही सिचुएशन हमारे ब्रेन के साथ भी होती है. ब्रेन हमारे हमारे ब्रेन के सामने जो जब भी इंसिडेंट आते हैं, उस इंसिडेंट्स में वो जो रिएक्शन करता है, वही उसकी फीलिंग्स का आधार होती है, वहीं उसकी फीलिंग्स बॉर्न करती हैं. हर ह्यूमन के अंदर फीलिंग्स जो होती हैं वो टू टाइप की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं इसमें लव, ब्रेवरी, रिस्पेक्ट, सिंपैथी, ये सारी पॉजिटिव इमोशंस होते हैं. नेगेटिव में फियर, डाउट, इनवी, तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं. ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होते हैं. ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने अंदर कौन सी इमोशंस को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि हम जिस इमोशंस को कंटिन्यू रखते हैं वही धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है. सो ये ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि वो अपनी पर्सनालिटी में कौन से इमोशंस के अनुसार काम करता है. एज वी ग्रो अप वी लर्न इमोशंस लाइक फियर, डाउट एंड एनवी बाय एडजस्टिंग आवर सेल्फ थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस. एज वी ग्रो, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, वी लर्न इमोशंस लाइक फियर, डाउट एंड एनवी. कई सारे इमोशंस, जैसे फियर हुआ, डर, डाउट, शक करना, संदेह करना, एनवी शत्रुता करना, लव प्रेम रखना, रिस्पेक्ट आदर करना, करेज उत्साह दिखाना, ब्रेवरी वीरता, तो ये सारे इमोशंस हम जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है और जैसे जैसे हमारे सामने जो सिचुएशन आती है वैसे हमारे इमोशंस डेवलप होते जाते हैं और जिस इमोशंस को हम कंटिन्यू रखते हैं वही हमारे वो बन जाती हैं, हैबिट्स बन जाती हैं और हमारी हमारी एटीट्यूड बन जाती हैं लाइफ का. दिस कैन बी आ डिफ़िकल्ट प्रोसेस बट इवेंचुअली इट मेक्स अस वाइजर एंड बेटर ह्यूमन बीइंग. ये जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इमोशंस हैं, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट करते हुए, मतलब कौन से इमोशंस को हम बेटर समझे, कौन सा इमोशंस हमारे लिए अच्छा होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा, इस दोनों में एडजस्ट करते करते हम हमारा जो ब्रेन है वो और भी ज़्यादा डेवलप होता है. भले ही एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है बट ये हमारे माइंड को और भी अधिक वाइज बनाता है और हमें एक ट्रू ह्यूमन, एक बेटर ह्यूमन बनाता है. लेट्स रीड अबाउट इंस्टेंसेज वेयर सच इमोशंस डिटरमाइन द चेंज इन आवर बिहेवियर. तो आइए हम एक ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टोरी में जो आप पढ़ेंगे कि कैसे एक इमोशंस जो है वो डिटरमाइंड होकर, डिटरमाइन मीन्स दृढ़ होकर, कंटिन्यू होकर
किसी के व्यवहार में, किसी के बिहेव में चेंजिंग ला सकता है. सो हैप्पी रीडिंग. नाउ वी विल नो अबाउट द स्टोरी. स्टोरी पे हम आएंगे. एज यू नो बेटर दैट बिफोर स्टार्ट द स्टोरी वी विल नो द टाइटल ऑफ द स्टोरी. सबसे पहले हम स्टोरी की टाइटल देखेंगे. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द नाइट वी ओन द विवेक. मीन्स वह राज जो हमने विवेक को जीता. आई थिंक यू आर वेरी क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज विवेक. आई टेल यू विवेक होता क्या है. विवेक इज अ टाइप ऑफ मोटर कार. विवेक जो है वो एक प्रकार का मोटर कार है. इसका मीन्स क्या हुआ कि वह राज जो हमने विवेक को जीता, मीन्स मोटर कार को जीता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट दिस स्टोरी इन शॉर्ट. इन दिस स्टोरी देयर इज अ बॉय हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव हिज ओन कार. बट प्रॉब्लम इज दैट द बॉय बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली एंड हिज पेरेंट्स आर अनेबल टू परचेज एनी कार. मतलब ये बॉय जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बट उसके उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पैशन ये होता है, मीन्स वो उसकी तीव्र इच्छा होती है कि उसके पास अपनी खुद की कार हो. क्योंकि वो जिस फैमिली में रहता है वहाँ हर किसी के पास, हर फैमिली में अपना खुद का कार होता है. एक बॉय ही जो है जिसके पास अपना खुद का कार नहीं होता. सो इसी में वो कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरी स्टोरी में वो कॉन्फ्लिक्ट झेलता रहता है अपने माइंड में कि कैसे कब उसको कार मिलेगा. मतलब वो हेसिटेट होता रहता है और अपनी माँ से कंप्लेन भी करता है. बट उसकी माँ जो है वो क्या है, एक मतलब नोबल लेडी है जो उसको मोरलिटी का एग्जांपल देकर उसको कंट्रोल करती रहती है. चलिए देखेंगे स्टोरी में हम कि कैसे उस बॉय की जो इच्छा है वो पूरी होती भी है या नहीं होती है. आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे कि क्या होने वाला है आगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट बिफोर स्टार्ट द स्टोरी वी विल लर्न अबाउट द अथर. सबसे पहले हम अथर के बारे में जानेंगे. हु इज़ द अथर ऑफ दिस स्टोरी? तो दिस इज़ द, दिस पिक्चर इज़ द अथर ऑफ दिस स्टोरी. जो पिक्चर है मतलब जॉन ग्रिग्स जो है वो स्टोरी के अथर हैं. कौन सी स्टोरी? द नाइट वी ओन द विवेक. वह राज जब हमने विवेक को जीता. इस स्टोरी के अथर हैं जॉन ग्रिग्स. अब मैं आपको यहाँ बता दूँ अथर मीन्स क्या होता है. अथर मीन्स लेखक. अब लेखक आपको पता है, लिखने वाला. एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट है, इंग्लिश लैंग्वेज में को, इंग्लिश लिटरेचर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोज पार्ट एंड पोइट्री पार्ट. प्रोज लिखने वाला प्रोज राइटर एंड पोइट्री लिखने वाला पोएटस और पोएट. लेकिन अथर जो है वो कॉमन जेंडर है, मीन्स कॉमन नाउन को डिनोट करता है. चाहे वो प्रोज लिखने वाला हो या पोएट्री लिखने वाला हो, वो अथर कहलाता है. ओके, तो लेट्स बिगिन. जॉन ग्रिग्स वाज अ ब्रिटिश पीयर हु डिनाउंस हिज पीयरेज. जॉन ग्रिग्स जो थे ही वाज बोर्न ऑन 1828 एंड ही वाज डाइड ऑन 1910 वाज अ ब्रिटिश पीयर. जो ब्रिटिश थे, मिस इंग्लैंड के रहने वाले थे. पीयर मिस होता है सेम एज, मतलब समकक्ष व्यक्ति. ऐसा पर्सन मतलब एक समान आयु वाला व्यक्ति. एंड पीर से बनना है पीरेज. पीरेज मिस डिनोट करता है ग्रुप को, मिस एक ही आयु के कई सारे पर्सन, कई सारे लोग जब एक ग्रुप में रहते हैं तो होता है पीरेज. तो जॉन ग्रिग्स जो थे वो ऐसे पर्सन थे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे. मीन्स अपने पीरेज में अपने समान, अपने समकक्ष व्यक्तियों की तुलना में वो सबसे हटकर थे. मतलब पहले कहते नहीं कि जो होनहार बलवान के होते चिकने पात, मतलब जो अच्छे होते हैं वो बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं. मतलब ये कहीं कहीं सच होता है, बाकी चीज़ें एक्सपीरियंस से भी इंसान आगे बढ़ता है. तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम, ही इज़ रिमेम्बर्ड फॉर राइटिंग अ 3 volume अवार्ड विनिंग बायोग्राफी ऑफ अ फेमस ब्रिटिश स्टेटमैन डेविड लॉयड जॉर्ज. वो याद किए जाते हैं अपनी रचनाओं के लिए, मतलब अपने लेखन के लिए. मतलब 3 volume उनकी जो रचनाएं होती थी, जो सॉरी उनका जो जब भी वो जितने पब्लिकेशंस होते थे, जो भी चीज़ें वो लिखते थे, वो 3 part में
उसका पब्लिकेशन होता था। मैं बता दूँ आपको व्हाट इज़ अ थ्री वॉल्यूम। थ्री वॉल्यूम होता क्या है, थ्री वॉल्यूम मीन्स होता है कोई भी रचना हो, जैसे एश्यू हो गया, स्टोरी हो गया, या फिर कह सकते हैं ड्रामा हो गया, किसी भी चीज़ का तीन पक्ष में जब प्रकाशन हो, तीन खंड में उसको डिवाइड करके उसका पब्लिश हो, तो होता है थ्री वॉल्यूम, ट्रिपल डेकर। तो इनकी जो रचनाएँ होती थी वो हमेशा, मतलब वो जो भी लिखते थे, चाहे एश्यू हो या स्टोरी हो, प्ले हो, फिक्शन हो, तो वो तीन पक्ष में, थ्री पार्ट में उसका पब्लिकेशन होता था। तो इसीलिए वो फेमस थे, आज भी उनको याद किया जाता है। और इन्होंने ऐसे ही ट्रिपल डेकर एक बायोग्राफी लिखा है जिस पर इनको अवार्ड मिला है, अवार्ड विनिंग बायोग्राफी, फेमस फेमस ब्रिटिश स्टेटमैन, फेमस ब्रिटिश स्टेटमैन डेविड डेविड लॉयड जॉर्ज, इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है एक ब्रिटिश स्टेटमैन, मतलब इंग्लैंड में रहने वाले एक स्टेटमैन थे। स्टेटमैन मीन्स, मैं आपको बता दूँ, स्टेटमैन इज अ पॉलिटिशियन, मतलब एक एक्सपीरियंस व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, राजनेता जिसको आप कह सकते हैं, जो डेविड लॉयड थे, डेविड लॉयड जॉर्ज थे। इन्होंने इनकी मतलब जीवनी इन्होंने, जॉन ग्रिग्स ने लिखी है बायोग्राफी, व्हेन अ पर्सन राइट द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, मतलब एक पर्सन जो किसी दूसरे की स्टोरी लिखता है, किसी दूसरे की लाइफ हिस्ट्री लिखता है, तो बायोग्राफी कहलाता है। और ऐसे ही आपने देखा होगा ऑटोबायोग्राफी, व्हेन अ पर्सन राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ हिज ओन, अपने खुद की, जब कोई पर्सन अपनी खुद की कहानी लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो जॉन ग्रिग्स ने डेविड लॉयड जॉर्ज की बायोग्राफी लिखी थी, डेविड लॉयड जॉर्ज की इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, इस जो कि फेमस थी। ही वॉज द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर दैट हिज फादर ओन एंड लेटर अ कॉलमनिस्ट फॉर द गार्जियन फॉर 10 ईयर्स। इसके बाद ये एडिटर भी रहे। एडिटर मीन्स क्या होता है, एडिट करने वाला, मीन्स कोई भी चीज़ लिखा जाए तो उसमें कमियां ढूंढकर उसको सुधार करने वाला। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ लिखकर, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मैम को दिखाते हैं, मैम उसमें कमियां ढूंढकर उसको सुधारती हैं, फिर आपको हैंडओवर करते, रिटर्न करती हैं। ठीक ऐसे ही एडिटर जो है वो कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में उसको देखकर उसकी कमियों को सुधार कर उसको आगे पब्लिकेशन के लिए प्रोसीड करते हैं, वो एडिटर कहलाते हैं संपादक। तो उनके फादर जो थे जॉन ग्रिग्स के, वो भी मतलब न्यूज़पेपर में लिखने का काम किया करते थे, और उस न्यूज़पेपर में भी एडिटिंग करते थे जॉन ग्रिग्स, जिससे कि आगे वो प्रोसीड हो सके। और लेटर, और बाद में आगे चलकर वो क्या थे, कॉलमनिस्ट भी रहे। कॉलमनिस्ट मीन्स होता है ऐसे पर्सन को कॉलमनिस्ट कर सकते हैं जो डेली बेसिस पर कोई न्यूज़पेपर हो या कोई मैगज़ीन हो उसमें आर्टिकल्स लिखने का काम करें, जैसे कि कोई हिस्ट्री किसी कोई स्टोरी लिखा करे, या फिर कोई थॉट हर दिन लिखा करे, या फिर कह सकते हैं मेडिसिन रिलेटिव, या फिर किसी भी पॉलिटिकल से कोई जुड़ी हुई कोई चीज़ लिखे, तो वो कॉलमनिस्ट करते हैं जो भी। तो ये आगे चलकर ये इन्होंने द गार्जियन नाम से एक मैगज़ीन थी, इसमें 10 ईयर्स तक इन्होंने एज अ कॉलमनिस्ट भी काम किया। ही आल्सो वर्कड विद द टाइम्स एंड अकेजनली रोट फॉर द स्पेक्टेटर। आगे चल के उन्होंने ऐसी दो मैगज़ीन्स जो है आप यहाँ पे आपको दिखेंगी, द टाइम्स एंड द स्पेक्टेटर, दोनों मैगजीन्स हैं, बोथ आर मैगजीन्स। इन दोनों में भी इन्होंने अकेजनली, मतलब कभी कभी, इन दोनों मैगजीन्स में भी इन्होंने लेखन का काम किया। तो ये रहा आपका अथर के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, एंड बिफोर स्टार्ट द स्टोरी देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू थिंक एंड आंसर मी। ये क्वेश्चन जो है आई होप ये गूगल क्लासेस में दिया भी गया है और सभी लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया था, तो इस बार ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे गूगल क्लासेस में लिखकर। क्वेश्चन है आपका, हैव यू एवर फेल्ट एम्बैरेस्ड अबाउट नॉट हैविंग समथिंग दैट एवरीवन एल्स हैड। क्या आपने कभी एम्बैरेस फील किया है, एम्बैरेस मीन्स अशेम, क्या कभी लज्जित हुए हैं किसी ऐसी चीज़ को लेकर, कोई ऐसी चीज़ जो आप पाना चाहते हो बट वो आपके पास ना हो, और आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास वो चीज़ सभी के पास आवश्यकता से ज़्यादा हो, एल्स एट, ज़रूरत से ज़्यादा हो।
तो क्या आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई है? इसको आप शेयर करिएगा सोचकर। नो, हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी आपका क्या है? लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु वॉज असेम्ड ऑफ बिलोंगिंग टू द ओनली फैमिली इन टाउन दैट डिडंट ओन अ कार। ये स्टोरी जो है एक ऐसे बॉय की है जो असेम्ड होता है, जो इंसल्ट हमेशा फील करता है कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली के पास अपनी खुद की कार नहीं है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, वो बॉय है कौन? आप लोग सोचिए, आई टेल यू, बताती हूँ। द बॉय इज द अथर ऑफ दिस स्टोरी। ये बॉय जो है वो स्टोरी के अथर जॉन ग्रिग्स खुद है। मीन्स यहाँ पे इन्होंने अपने लाइफ की स्टोरी लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जब वो एज अ चाइल्ड थे तो उस समय कैसे उनको अपनी एक इच्छा पूरी करने के लिए वो किस तरीके से परेशान थे, बट उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, हमें उन्हें हमेशा असेंड होना पड़ता था। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है, आइए हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इट वॉज जस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वी वर ओनली द फैमिली इन आवर न्यूयॉर्क टाउन दैट डिडंट ओन अ कार। आवर डेली शॉपिंग ट्रिप्स वॉज मेड इन अ डिसरेपुटेबल टू व्हील बास्केट कार ड्रॉन बाय एन एंशियंट शेटलैंड पोनी दैट माई मदर हैड नेम्ड बार्कीज आफ्टर द कैरेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड। बोनी बार्कीज वॉज एन आई सोर, एवरी क्लॉप ऑफ हिज स्प्लेट हूफ्स साउंडेड आवर पॉवर्टी। मीन्स इट वॉज जस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मीन्स ये टाइम कब का है, समय कब का है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, जब हम न्यूयॉर्क में थे और हमारे टाउन में हर किसी के पास खुद की कार थी। मीन्स हम ऐसी फैमिली से जुड़े हुए थे कि जिस फैमिली के पास कार नहीं थी और उस टाउन में हर किसी के पास कार थी। और इस क्या होता था, आवर डेली शॉपिंग ट्रिप्स वर मेड इन डिसरेपुटेबल। इसकी वजह से हमारी जो शॉपिंग ट्रिप्स थी वो हमेशा डिसरेपुटेबल हो जाया करती थी। मतलब जब कभी भी मार्केटिंग पे जाते थे तो वहाँ पे हर कोई अपने लग्जरियस गाड़ी से आ रहा है। वहाँ पे जब कभी भी हम अपनी टू व्हील्स बास्केट कार से जाते थे तो वहाँ पे हमारी बहुत इंसल्ट होती थी। आपको ये बता दूँ, व्हाट इज़ अ बास्केट कार्ड? बास्केट कार्ड जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉर्स कार्ड। एक प्रकार की ये घोड़ा गाड़ी है, मतलब एक कंटेनर लगा होता है इसमें। जैसे कि मार्केटिंग पे जाइए तो वहाँ पे कई सारे सामान खरीद कर उसमें हम ला सकते हैं। मैं बास्केट कार्ड की आपको यहाँ पिक भी दिखाती हूँ, आपकी इस चैप्टर में ही दिया हुआ है। दिस इज बास्केट कार्ड, जो कि यहाँ पे ड्रॉन बाय अ हॉर्स, बास्केट कार्ड। तो जब कभी भी ये बॉय जो था वो बता रहा है, जब कभी भी हम मार्केटिंग पे जाते थे, शॉपिंग पे जाते थे, तो वहाँ पे हमें बहुत ही सेल्फ फील होता था, क्योंकि हर कोई लग्जरियस गाड़ी से आ रहा है, हंसते मुस्कुराते और म्यूजिक सुनते हुए वहाँ पर हम टू व्हील्स अपने हॉर्स कार्ट से जा रहे हैं। तो ऐसा लगता कि वाई वी आर सो पुअर, हम इतने गरीब क्यों हैं, क्यों हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि वो जो हमारी जो बास्केट कार्ड थी वो ड्रॉन बाय एन एंशियंट शेटलैंड पोनी, उसको खींचा जाता था किसके द्वारा? एक पुराने, मतलब एंशियंट शेटलैंड पोनी। व्हाट इज शेटलैंड पोनी? शेटलैंड पोनी जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉर्स, एक प्रकार की प्रजाति का एक घोड़ा है दैट हैज़ रफ एंड हार्ड स्किन, मतलब कड़ी और खुरदरी त्वचा वाला एक घोड़ा है जो दिखने में अच्छा ना दिखता हो। तो ऐसे मतलब जो इसकी बास्केट कार्ड जो थी वो एक घोड़ा उसको मतलब खींचता था। दैट माई मदर हैड नेम्ड बार्कीज आफ्टर द कैरेक्टर इन डेविड कॉपर फील्ड। उस बार्कीज को मेरी माँ ने नाम क्या दिया था? बार्कीज। कब दिया था? आफ्टर द कैरेक्टर इन डेविड कॉपर फील्ड। वट इज डेविड कॉपर फील्ड? आई टेल यू, डेविड कॉपर फील्ड इट इज़ अ टाइप ऑफ प्ले, एक प्ले है। प्ले मीन्स ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, प्ले। प्ले मीन्स ड्रामा, मतलब ड्रामा को हम, नाटक को प्ले बोलते हैं। तो इस ये प्ले देखने के बाद इसमें बार्कीज ने एक रोल प्ले किया था। बार्कीज नाम नेम से एक करेक्टर था इसमें, एक पर्सन था जो कि रोल प्ले किया था। तो ये नेम जो है मेरी माँ को इतना अच्छा लगा कि मेरी माँ ने उस किसको,
शीटलैंड पोनी मिस हॉर्स को बार्कीज नेम दे दिया, बार्कीज नेम दे दिया। बोनी बार्कीज वॉज एन आई सोर। बोनी मिस आपको पता है दिखने में मोटा ताजा तंदुरुस्त, जो बार्कीज था वॉज एन आई सोर। आई सोर मीन्स अगली, मतलब दिखने में जो भद्दा लगे, क्रूप लगे। तो बोनी बार्कीज इतना गंदा था, वो अच्छा नहीं लगता था। और एवरी क्लॉप ऑफ हिज प्लेड हुप साउंडेड अवर पॉवर्टी। क्लॉप मीन्स होता है साउंड ऑफ द स्टेप्स, कदमों की आवाज। एंड स्प्लेड मीन्स स्प्रेड आउट, फैले हुए। एंड हुप्स मीन्स एनिमल्स के जो खुर होते हैं। तो क्या हुआ था कि उसके जितने कदम वो चलता था, मीन्स उसके खुर से, उसके चलने से, उसके खुर से जो टिक टिक की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था उसके हर कदम से जो आवाज़ निकलती है वो हर बार उसकी पॉवर्टी को लोगों के सामने ले आती है। जहाँ हर कोई अपने लग्जरियस गाड़ी से म्यूजिक सुनते हुए आ रहा है मुस्कुराते हुए, वहाँ पे उसको अपने हॉर्स कॉर्ड से जाना पड़ा टिक टिक की आवाज़ सुनते हुए। तो ऐसा लगता कि हर बार उसको सब लोगों के सामने अपमान झेलना पड़ रहा है अपनी पॉवर्टी की वजह से। नेक्स्ट, फॉर पुअर वीवर माई फादर सैलरी एज क्लर्क वुड हैव मेंटेन्ड अस इन मॉडेस्ट प्लेंटी हैड नॉट ऑफ इफ इट गॉन फॉर द सपोर्ट एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ इल एंड इंडिजेंट रिलेटिव्स। मतलब इसके फादर जो थे वो क्या थे, बॉय के फादर जो थे वो क्या थे, एक क्लर्क थे। क्लर्क थे वो बता कि हमारे फादर की जो सैलरी होती थी वो थी, वो हमारे लिए, मतलब हम उसी में मॉडेस्ट हो जाते थे। मॉडेस्ट मीन्स होता है एडजस्ट हो जाना, उसमें हम एडजस्ट कर लेते थे। अगर वो सैलरी का आधा हिस्सा अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसे अर्जेंट नीड आ जाए जिस पर अगर खर्चा ना हो, तो किसी भी तरीके से हम उसमें अपने आप को एडजस्ट कर ले जाते थे। ओके, नेक्स्ट स्टोरी हम अब कल पढ़ेंगे।